आज के सेशन, क्योंकि फेस रीडिंग सेशन है और मैं फेस रीडिंग भी करूंगी बीच बीच में आप लोगों के लिए, इफ यू ऑल आर ओके, हुएवर वांट्स टू गेट इट डन. बट अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि आप एक डीपी लगा लीजिए अपनी, या कोई पिक्चर लगा लीजिए, बिकॉज थोड़ा वो ब्लैंक, बिकॉज फेस रीडिंग सेशन है, सो इट्स बेटर. कोई ऐसा है जो पिछले वाले वेबिनार में था, आउट ऑफ यू ऑल? इज देयर समवन फ्रॉम द प्रीवियस वेबिनार? थैंक यू. आप मैं फर्स्ट वेबिनार में नहीं थी, थे? ओके लास्ट ओके वाले में ओके. नहीं थी बस. अच्छा, ओके. तो आपका कैसा था, मतलब आपको कितना लगा कि कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो लाइक नहीं मैम, व्हाट समझ में आ रहा था. आ रहा था? सो ओके, सो यस मतलब मैम, आपको लग रहा था कि फेस रीडिंग इज समथिंग जो इट मेक सेंस. यस मैम. ओके ओके. सो अभी मेरे को कोई, जैसे पहले पूछना है अगर किसी को फेस रीडिंग के बारे में, या कोई क्वेश्चंस हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप शेयर करना चाहते हो या क्या एक्सपेक्ट करते हो इस वेबिनार से, प्लीज आप अपना हैंड रेज करिए. सो आई विल आस्क यू. किसी को कुछ पूछना है, मतलब एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेस रीडिंग में, क्या सोचते हैं होता है? एक्चुअली टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी कि मतलब फेस रीडिंग माइंड रीडिंग दे बोथ आर डिफरेंट. सो आई डोंट नो मच अबाउट फेस रीडिंग. माइंड रीडिंग का तो मुझे पता है, लेकिन फेस रीडिंग मुझे इतना नहीं पता मैम. सो ओके दैट्स द रीजन कि मुझे था कि आज वेबिनार से पता चलेगा कि है क्या है. ओके ग्रेट. एंड चित्रा जी, इफ आई मे आस्क यू, आपको कुछ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको क्या मालूम है फेस रीडिंग से क्या होगा? मैम मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अच्छा हाँ, ही होगा फर्स्ट टाइम कुछ. है, बट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है फेस रीडिंग के बारे में? कुछ अच्छा ही मिलेगा आपसे, कुछ ओके ओके. सीखने को तो मिलेगा. मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा. आई होप यू नो आई कीप माय योर एक्सपेक्ट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, सो विल जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. बेसिकली क्या है, जैसे फेस रीड करना, हम कहते हैं ना कि वो चेहरा पढ़ लिया, एंड यू नो फेस रीड करना है, मैंने उसका फेस पे देखा एक्सप्रेशन है, ये है वो है, सब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये बात करते ही हैं, और हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देख के समझते भी हैं. वी हैव आर ओन अंडरस्टैंडिंग जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमारे सामने है, उसके एक्सप्रेशन से और उसका जो भी लुक है बेसिकली. तो जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इसको दे दी गई है, तो फिजियोगनॉमी बोलते हैं इसको हम, फिजियोगनॉमी इन इन दैट लिटरल साइंटिफिक टर्म. बाकी एक बेसिक, जैसे इसमें डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अभी. लेट मी जस्ट शेयर दैट, यू नो इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या है अभी, और जस्ट अ मोमेंट एंड लेट मी नो कि मेरा जो स्क्रीन है आप लोगों को दिख रहा है, कैन यू सी माई यस स्क्रीन? मैम, इट्स विजिबल. ओके ग्रेट, थैंक यू. सो आई जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ आउटलुक ऑफ व्हाट वी कैन and what we cannot from the face reading. एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम फेस देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले, आपको लगता है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं फेस देख के, किसी को ऐसा लगता है? Honestly, there are people who do that. So, I don't know. मेरे को लगता है कि जैसे हम पुराने जमाने में, जैसे हमारे ऋषि मुनि का जो टाइम था, या बहुत पुराने जमाने में जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली लोग हाईली स्पिरिचुअली क्या कनेक्टेड होते थे, उस टाइम पे फेस के साथ एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत स्ट्रॉन्गली करके, यू नो बहुत डीप में हम चेहरा देख के सब चीजें पता कर पाते थे. बट नाउ अ डेज, आजकल के सिनेरियो में जो ये फेस रीडिंग का कॉन्सेप्ट, या जो ये इवन जो कोर्स, जैसे मैंने भी जब सीखा, या मैं अगर आपको सिखाती हूँ, तो उस तरह से है जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आएगा जब हम किसी को देखते हैं,
और जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और अगर कोई हमें नहीं जानता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिमोनियल का कुछ आता है किसी के लिए, तो कोई अगर एक लड़का है जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने बोला कि आप भाई हमारे हमारे लिए इस लड़के का प्रपोजल आया फॉर माई डॉटर, जैसे मेरी बेटी के लिए एक लड़के का प्रपोजल आया, सो कैन यू जस्ट एनालाइज हिज फेस, तो आप उसकी पिक्चर मंगा के आप उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हो. यू कैन हैव अ वेरी वेरी क्लोज आइडिया. दैट्स एक्चुअली समथिंग जो हम ये कहते हैं कि 100% तो ऑकल्ट में कुछ भी नहीं होता है. दिस इज नॉट जस्ट कि फेस रीडिंग में नहीं है, किसी भी ऑकल्ट की फील्ड को आप ले लो, उसके अंदर कोई मोडालिटी हो 100% कुछ नहीं होता है, बट जो भी 70-80% की जो पॉसिबिलिटी होती है फेस रीडिंग में भी उतना ही सब कुछ हमें पता चल सकता है इफ यू डू इट विद प्रिसिशन. और ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है. प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे सो यू विल गो बेटर एंड बेटर एंड यू विल बिकम अ प्रो वन डे. सो जैसे मैंने बताया कि फिजियोग्नोमी है बेसिकली ये, तो फिजियोग्नोमिक टर्म दे दिया गया है जो साइंटिफिक है. इससे हमें फेसेस कैन रिवील एंड वॉट इट कैन नॉट, मैंने उसके ऊपर बात करके आपको बताना था. हम क्या पता कर सकते हैं, पर्सनैलिटी उस पर्सन की जान सकते हैं, उसका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ क्या है, उसका उसका जो थॉट प्रोसेस है उसका कैसा है, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स कैसे हैं, वो कैसे बिहेव कर सकता है या करता होगा, और उनका उसका सोचने का पैटर्न क्या है, जैसे लाइफ को या लोगों के साथ उसका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, उसका झूठ बोलने या ना झूठ बोलने का उसका जो वो क्वेश्चन है वो भी एनालाइज कर सकते हैं, और टुवर्ड सोसाइटी उसकी जो अप्रोच होती है हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं. और हम क्या नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स हम फ्यूचर नहीं देख सकते किसी का चेहरा देख के. अब आप मेरा अगर फेस देखेंगे तो आप मेरा फ्यूचर फेस देख के नहीं बता सकते, एंड सिमिलरली गोज यू नो आप लोगों के साथ, किसी को भी अगर मैं पिकअप करके एज एन लाइक स्टडी का मैं अपना ऑब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट बना लूं, तो मैं फ्यूचर नहीं बता सकती, किसी को देख के मैं क्वालिफिकेशन उसकी नहीं बता सकती, सो हमें उसकी वेल्थ नहीं बता सकती. तो आई होप हमें वेल्थ पता चल जाती तो बहुत अच्छा था, कि हमें पता चल जाता उसके पास पैसे हैं या नहीं है टाइप्स यू नो, बट ये हम नहीं बता सकते ऑब्वियसली चेहरा देख के. और थॉट, यहाँ पे थॉट और जो ये पिछला वाला अभी मैंने आपको बताया थिंकिंग पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न और थॉट में थोड़ा डिफरेंस है. थॉट मतलब जैसे अगर मेरे सामने कोई बैठा है या उसका इमीडिएट उस टाइम पे थॉट क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मोमेंटरी होता है. अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ और मैं उसको ना चाहते हुए चाहते हुए एनालाइज कर रही हूँ समवेयर, सो उसके दिमाग में उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, ये उसका थॉट है, उसको हम इमीडिएटली उसको देख के नहीं बता सकते. और एक फेस रीडर अगर बहुत सालों तक भी अगर वो प्रैक्टिस कर ले, तो बहुत बार उसको चैलेंजेस आते हैं जो कि सभी मोडालिटीज के अंदर आते हैं चैलेंजेस. इसी तरह से फेस रीडिंग में भी है. ऑब्वियसली एक्यूरेसी मैक्सिमम 90% तक जा सकती है. उसका जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा, जो पर्सन है, अगर उसने बहुत मेकअप करके करेक्टिव फीचर्स, क्योंकि फेस रीडिंग में फीचर्स बहुत प्राइम चीज है ऑफ स्टडी, करेक्टिव फीचर्स किए हुए हैं, तो हमारी स्टडी में कहीं ना कहीं फ्लॉज हो सकते हैं, वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती. और अगर आजकल जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत लोग कराते हैं, तो वो फेस का जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा डेटा एक तरह से, हमारा डेटा इज नॉट करेक्ट, वी हैव द रॉन्ग डेटा टू स्टडी, सो हम उस पर्सन के बारे में जो भी एनालाइज करेंगे वो उतना करेक्ट नहीं होगा. सो सपोज आपके पास कोई आता है और यू नो ऑन दैट फॉर्मल टर्म्स आप उस पर्सन से पूछ सकते हो कि आपने क्या फॉर एग्जाम्पल लिप्स पे लिप जॉब कराया हुआ है, तो वो बोलता है हाँ मैंने कराया है, तो आप अपने एनालिसिस के अंदर लिप्स को हटा सकते हैं, आप बाकी चीजों पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर रिपोर्ट बनती है. जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे को एक फेस रीड करना है, तो मेरे लिए उस पर्सन की आईज, उसका फेस का कट, उसके आईब्राउज, उसका हेयर, उसका हेयर स्टाइल और उसका जॉ लाइन, टीथ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है. तो अगर कोई भी चीज करेक्टेड है, जो मेड अप है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आप ऐसा करते हो. और ऑनलाइन बैरियर्स हैं कि जैसे अगर हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, हम बोले कि मेरा फेस रीड करो, जैसे अगर सपोज मैं आपके लिए भी करूं, तो शायद मैं उतना परफेक्टली आपको नहीं देख पा रही हूँ, चाहे मेरे को इस कोर्स को मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होगा, तो मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ आपको पढ़ने में, बट कई बार ऐसा होता है बैरियर इज बिटवीन, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम में हम उतना परफेक्टली नहीं समझ पाते हैं.
एंड लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. मतलब जैसे इसको आप ये बोल सकते हैं कि जैसे जो भी पर्सन है वो सेल्फ अपना क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कई बार चैलेंज हो जाता है, तो डेटा उतना प्रॉपर या 100% आई मीन 90% जो मैक्सिमम इसमें है उसके थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाता है. तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की है कि हम फेस रीडिंग में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. तो एक हम पॉइंट पहले एक मैं एक्टिविटी भी आपको कराना चाहूंगी, एक थंब टेस्ट करते हैं. सो आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट. आप अपने नॉर्मल जैसे ये दोनों हाथ है ऐसे करके इसको ऐसे करिए, जस्ट डू इट लाइक दिस. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. अब आप मुझे बताएं कि वन आफ्टर द अदर कि आपका जो राइट वाला थंब है वो ऊपर है या लेफ्ट वाला थंब ऊपर है. ये राइट वाला राइट वाला. ओके. सो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जैसे हमारा जो नंबर वन हमने लिया, यहाँ पर मैंने आपको पीपीटी में भी दिखा देती हूँ, थंब टेस्ट में वन और टू, वन के अंदर क्या है जैसे इस पर्सन ने किया है तो उसका लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है. जिसका राइट ऊपर आ रहा है उसके इंटरप्रिटेशन में हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन वर्बल है और वो एनालिटिकल है. मतलब वो हर चीज को एनालाइज करके काम करता है, उसका बेसिक नेचर ये हो सकता है. और जो वन जिसमें दूसरा वाला थंब ऊपर आया हुआ है उसके अंदर हम उसको राइट ब्रेन डोमिनेंट कह सकते हैं. वो पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकता है. क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आर्ट एंड क्राफ्ट और डांस और ये सब चीजें. क्रिएटिविटी मे बी मैन पावर हैंडलिंग. अगर वो एक किसी कंपनी में काम करता है और उसके पास मे बी 50-100 एम्प्लॉयज भी हैं तो उनको भी कैसे हैंडल करना है ये भी एक क्रिएटिव चीज है. सो आप लोगों के अपने अपने हाथ के हिसाब से ये वन और टू मैच कर रहे हैं कि नहीं. इज दैट करेक्ट सुनीता जी आपका भी. ओके हाँ, ग्रेट. मेरा भी कर रहा है। देख, दैट्स नाइस जैसे दैट्स लेफ्ट थंब ऊपर है, राइट दबा हुआ है, तो लाइक हम नाइस. एनालिटिकल नहीं है। ओके वंडरफुल. अगर ऐसा होता है कि जैसे हम फेस रीडिंग में जैसे मैंने बताया हमारे पास फेस तो एक ही है बट बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं या डिटेल्स लिख लेते हैं या बताते हैं या हम अपने एनालिसिस के लिए भी अगर किसी को पढ़ रहे हैं. सो इट्स जस्ट नॉट वन फीचर, इट इज देयर आर सो मेनी थिंग्स. कितनी सारी चीजें आपके पास, नोज है, इयर्स हैं, उनका प्लेसमेंट है, साइज है. तो अगर कोई एक चीज किसी फीचर की वजह से मैच नहीं भी कर रही इट इज एब्सोल्युटली ओके. बट जस्ट ट्रस्ट योर रीडिंग. आप दूसरे वाला फीचर जो है उसको भी जब स्टडी करोगे क्या उसमें से ऐड करना है क्या डिलीट करना है ये एंड में जाके जब रिपोर्ट बनाना सिखाया जाता है तो देन यू विल नो यू नो दिस इज द एक्चुअल फाइनल आउटकम. तो यू डोंट गेट यू नो कि अगर आप सपोज अगर मैं अभी आप लोगों के लिए रीडिंग ये करूंगी जब भी अभी जैसे आई स्टार्ट डूइंग दैट और मैंने एक फीचर ले लिया फेशियल जोन्स और मैंने प्रोबेबली मलव के लिए फेशियल जोन का एनालिसिस किया ही से कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि शायद मेरी रीडिंग करेक्ट नहीं है. इट इज जस्ट दैट दैट पर्टिकुलर फीचर इज प्रोबेबली एक तो हमारा डिस्टेंस का भी जो है यू नो दैट मीडियम वी आर ऑन सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ थिंग. बट वो भी रीजन नहीं है. अगर आप दूसरे किसी पैरामीटर को लोगे तो वही कॉमन चीजें निकल के आती हैं. जैसे अगर हम जोन की बात करें तो हमारा थ्री तीन जोन होते हैं. आई जस्ट गो टू द पीपीटी. यहाँ पे देखिए अब इस पीपीटी को आप देख पा रहे हैं. सो हियर यू कैन सी द थ्री जोन्स. ये लेडी है उसके बीच में देखिए दो लाइंस डली हुई हैं. दीज वंस कैन यू सी देम. ओके. सो हमारा जो जोन वन है, जोन वन क्या होता है जो ये मेरे फोरहेड ये मेरे हेयर लाइन से लेके यहाँ मेरे आईब्रो तक दिस इज माय जोन वन. सो दिस लेडी का जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी एक लाइन है. एंड माय जोन टू इज फ्रॉम दिस आईब्रो का सेक्शन टू माय नोज का टिप यहाँ नीचे. सो दिस इज माय जोन टू. एंड जोन थ्री इज फ्रॉम हियर टिल माई चिन. अब अगर किसी की डबल चिन है उसको नहीं लेना है जहां चिन का बोन है आपका. सो यू विल टेक दिस. दिस इज योर थर्ड जोन. सो अब हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट जोन छोटा है और किसी का फर्स्ट जोन बड़ा है सो जोन वन छोटा और जोन वन बड़ा डजंट मीन कि जोन वन छोटे के ट्रेट्स उल्टे हो जाएंगे जोन टू में बड़े जोन के अंदर. क्योंकि ऐसा नहीं होता है. जोन वन अगर छोटा है और जोन वन अगर बड़ा है दोनों के अलग अलग मतलब है जो मैं अगली पीपीटी में आपको दिखाऊंगी. इट इज नॉट दैट कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये अगर है या नहीं है
ये नहीं है तो ये है, ऐसा उल्टा कुछ नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. हर एक के अपना मतलब है, हर एक का अपना सिस्टम है. जैसे अगर आप, मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, इसमें आप ये देख सकते हैं दो डिफरेंट जोन्स हैं. ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर में लेडी है, इसका फर्स्ट आईब्रो तक का पोर्शन देखिए, यहाँ तक का, इट इज सो बिग, इट इज सो लार्ज. द सेकेंड लेडी विच यू सी हर, दिस जोन इज स्मॉल. सो वी हैव अ लार्ज जोन एंड अ स्मॉल जोन. मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखा देती हूँ. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, यू नो, कोई भी पर्सन अगर आपके सामने है उसको कैसे आप करेंगे डिस्टिंग्विश. अब यहाँ पे देखिए, इसको, ये जो पहला वाला पिक्चर है, इसके अंदर जोन टू अगर हम देखें, फ्रॉम हिज आईब्राउज टू हिज नोज, उसके पूरे फेस के हिसाब से दिस पार्ट इज स्मॉलर देन द होल फेस. कैन यू ऑब्जर्व दिस? राइट, सेकेंड वाले के अंदर आप देखिए, जहां पे ये लड़की है, उसके आईब्रो से लेके नोज के नीचे तक का, इट इज मच बिगर देन द रेस्ट ऑफ द फेस, जो तीन है पार्ट्स. सो अब हम, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, ये रेकमेंड किया जाता है कि आप पिक्चर अगर मंगा रहे हैं, क्योंकि अंदाजे से तो हम ऑब्वियसली कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट वो एक्सपीरियंस से और अच्छा हो जाता है. बट अगर आप पिक्चर लेके किसी का कराते हैं, सो यूज अ स्केल एंड डिवाइड इट इन द थ्री सेक्शंस. तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि वो तीनों जोन्स के अंदर कैसे कैसे डिवाइडेड है पूरा फेस. अब मेरा फेस अगर बहुत लंबा है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा कोई भी जोन लार्ज हो, जरूरी नहीं है. आई कैन हैव नॉर्मल जोन्स, आई कैन हैव स्मॉल जोन्स, बट पूरे फेस के हिसाब से वो डिपेंड करता है. मैम आपका भी नोज ये सेकेंड एरिया छोटा है, अपर और लोअर लोअर वाला बिगर किसका? है आपका। मेरा लोअर. ओके ओके, चलो गुड, आप तो अभी से एनालिसिस कर पा रहे हो, आई एम सो ग्लैड एक्चुअली, दैट्स नाइस. मेरा भी एनालिसिस करेंगे हम. और एक्चुअली क्या होता है, जब लाइव सेशंस भी होते हैं ना, जैसे अगर कोई कोर्स में है, उसमें भी क्या रहता है कि हम 1 घंटा वो कराते हैं क्लास, बिकॉज थ्योरेटिकल भी जरूरी है. अब करते करते सीखोगे तो थ्योरी से ही शुरू करोगे, एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटे की क्लास रहती है, 1.5 आवर. तो हाफ आवर जो होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हम एनालिसिस ही करते हैं. और उसमें क्या होता है, जैसे अभी आप सब हैं, तो यू नो, कोई किसी का, आप मेरे लिए भी कर सकते हो, मैं आपके लिए कर सकती हूँ, आप मे बी शशि जी के लिए कर सकते हो, यू नो, हु ऑल आर प्रेजेंट. सो हम एक दूसरे से जब करते करते वो सीख जाते हैं कि यू नो किस तरह का हम स्टडी करेंगे. ओके सॉरी, ये नीचे आ गया, मैं आपको दूसरा और दिखा रही थी. हाँ, ये देखिए थर्ड वाला. अब नाउ इसमें जो ये लड़की का, आलिया भट्ट का, इफ यू सी द स्मॉलर वन, जो नीचे वाला नोज से चिन इज स्मॉल जोन 3, मतलब उसके फेस के हिसाब से, उसके आईब्रो से नोज टिप तक बड़ा है, बट उसके नोज से जो चिन तक का पार्ट है वो छोटा है. एंड लुक एट दिस बॉय, ही हैज अ वेरी लार्ज जोन 3, इज दैट करेक्ट? अब हम इनके फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं. जैसे लार्ज जोन 1 अगर है, तो उसके अंदर हम, ये इसके लिए हम बोलते हैं कि दीज पीपल आर फोकस्ड एंड दे थिंक अलॉट, दे एक्चुअली थिंक एंड दे फोकस ऑन थिंकिंग, एंड ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं. इनके जो डिसीजंस होते हैं वो उस पे बेस्ड होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कहाँ से गेन कर सकते हैं, उनका डिसीजन उस पे बेस्ड होता है. उनमें बहुत फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, एंड दे डोंट प्ले, एक्चुअली सॉरी, इनमें जो फीलिंग्स और इमोशंस है, दे डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, जो जिसका लार्ज जोन 1 होता है. और जो दूसरा वाला है स्मॉल जोन 1, उसके अंदर हम उनको बोलते हैं कि डिटर्मिंड है, परसिस्टेंट है, मतलब वो हर काम को लगातार करते रहते हैं, एंड वो अपने गोल्स तक, क्योंकि लगातार करने की उनकी उनका नेचर ऐसा है, तो वो अपने काम को करने के लिए लगातार उसको करने की तरफ बढ़ते रहते हैं, और अपने गोल्स को जब तक नहीं अचीव कर लेते तब तक वो उसको करते रहते हैं. सो हम एक काम कर सकते हैं, अभी मैं अगर इसको स्टॉप शेयर करती हूँ, तो आप में से जो भी अवेलेबल है उनमें से हम देखते हैं कि एक एक कोई किसी का हम जोन देखते हैं, हाउ इट इज, एंड देन वील कम बैक टू दिस. सो कोई अपना जोन्स का एनालिसिस कराना चाहेगा? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? पंकज जी कराएंगे. ओके पंकज जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. ओके मैम, हाँ जी, थोड़ा ब्रिंग योर फेस क्लोजर. बाकी लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि उनको क्या लग रहा है. आप अपना चेहरा थोड़ा पास ले आइए कैमरा के, जिससे, क्योंकि आपको फोरहेड नहीं दिख रहा है अभी प्रॉपर. अभी अभी मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा नीचे करिए, और थोड़ा नीचे करिए, और थोड़ा सा सामने करिए.
अभी जितना भी हम कैमरे में देख पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इनके तीन जोन्स कैसे डिवाइडेड होंगे? सर अपर जोन मैम, अपर जोन बिगर है, लोअर जोन भी बिगर है, मिडल थोड़ा सा कंपैरेटिवली लोअर है, मतलब कम है। एज पर मी लोअर इज द बिगेस्ट ओके एंड अपर उससे थोड़ा सा छोटा है एंड द मिडल इज द स्मॉलेस्ट। ओके ओके वंडरफुल। तो अब हम ये करते हैं कि आप सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। ये वंदना जी आपने क्या बोला था कि ऊपर मिडल वाला वाला छोटा है, मिडल वाला सबसे छोटा है। जी मिडल वाला छोटा, एंड मतलब यू आल्सो सेड छोटा है मिडल वाला, एंड लोअर हाँ जो नीचे वाला है वो सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाट ना? यस ओके तो हम एक बार फिर से अपने स्क्रीन पे जाते हैं एंड चीज किया इनका, पंकज जी का हमने देखा, हमने ये बोला कि जो हमारा लोअर वाला जो हमने डिसाइड किया कि जोन इज बिग, सो वी हैव जोन थ्री विच इज बिग, अ बिग जोन थ्री, एंड वी हैव अ स्मॉल जोन टू, एंड वी हैव अ स्मॉल जोन वन, इज दैट ओके? लेट्स फ्रीज समथिंग सो दैट वी कैन डू यस दैट। ओके सो आई विल शेयर दैट स्क्रीन अगेन। वो बड़ा बेकर बोल क्या देते हैं। हाँ है ना, एक बार कैन यू प्लीज म्यूट, जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके सो हम लार्ज जोन थ्री पे आ गए हैं, ठीक है? हमने लार्ज जोन थ्री डिसाइड किया था पंकज जी के लिए। इसको अगर हम पढ़ें तो हम ये कहते हैं कि हैव गुड सेंस ऑफ देमसेल्व्स। तो पंकज जी आपको अपने बारे में, मतलब अपने चीजों का, अपने बारे में, अपना जो पर्सनल चीजों के हिसाब से आपको अच्छी समझ है उन चीजों के बारे में, इज दैट करेक्ट? यस 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 एंड मैम आप अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, इज दैट करेक्ट? जी अगर नहीं भी होगा सो इट्स ओके, क्योंकि हमने एक ही फीचर उठाया अभी, तो अगर नहीं जी भी मैच करता इट शुड बी ओके, सो डोंट वरी ऑन दैट। एंड ओके आप जैसे जिसका जोन थ्री बड़ा होता है, दे वॉन्ट टू बी श्योर दैट थिंग्स वर्क आउट बिफोर ट्राइंग। आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको लगता है वो काम शुरू करने से पहले पहले समझ लेते हैं कि हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो सकता तो आप उसको नहीं करेंगे, क्या ये जी बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल ओके सही okay. है चलो जी। परफेक्ट। अब हम आपके सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं जहां आपका स्मॉल जोन टू आता है। अब हम स्मॉल जोन टू की अगर हम बात करें तो आप हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, यू वर्क हार्ड, और आप चैलेंजेस फेस करते हैं क्योंकि आपका जो रिवॉर्ड है आपको जो मिलता है, अगर समझ लीजिए आपने सोचा कि आपको 10,000 मिले, आपको 10 नहीं मिलेंगे, आपको 5 मिलेंगे। ये आपके साथ पैटर्न है एक, कि जहां आपको लगता है आपने इतनी मेहनत की है कि इसका तो एक्चुअली इसका जो बेनिफिट है वो मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 मिलना चाहिए, बट जी आपको उससे कम ही मिलता है हमेशा। फाइनेंशियली जी स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो जी जी आप डिजर्व करते हैं आपको उतना नहीं मिल पाता, नहीं क्या मिलता है, सही है? बिल्कुल सही है। ओके एंड अर्न रिस्पेक्ट मोर देन मनी। आपके लाइफ में, ये नहीं कि आप चाहते हैं नहीं, मैं बोल रही आप आपके जैसे जो जोन में, जो सेकेंड मिडिल जोन स्मॉल वाला जो लोग होते हैं, दे अर्न रिस्पेक्ट मोर देन मनी, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है पैसे से, बिल्कुल सही है। ठीक है? ओके दैट्स एक्चुअली राइट। सो नाउ लेट्स गो टू लार्ज जोन एंड स्मॉल जोन वन। तो अब इनका स्मॉल जोन वन हमने डिसाइड किया था, तो अगर हम स्मॉल जोन वन पे आएंगे तो ये डिटर्मिंड और परसिस्टेंट है, मतलब कोई भी काम है उसको निरंतर करते रहना, लगातार करते रहने में बिलीव करते हैं, ठीक है? एंड दे विल कीप डूइंग टू वर्क, दे एक्चुअली कीप वर्किंग टूवर्ड्स देयर गोल जब तक के वो हो नहीं जाता, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आ जाए, क्या ये करेक्ट है पंकज जी? मैम इसमें कभी कभी मैं थक जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ काम को। ओके बट अच्छा पूरा छोड़ देते हैं, हाँ फिर छोड़ देता हूँ बीच में, जब काम पूरा नहीं होता तो फिर छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मैच नहीं भी हो तो इट्स ओके, क्योंकि और भी बहुत फीचर्स होते हैं, सो जी इट्स ऑल जी राइट। बट फिर भी आपका जो मिडिल जोन और लार्ज जोन जो नीचे हमने देखा उसके हिसाब से काफी क्लोज है, और इसमें भी ना जैसे जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि डिटर्मिंड एंड परसिस्टेंट है, इसका बिल्कुल स्पेसिफिक मतलब है कि वो छोड़ते नहीं है काम, बट आपने बोला कि वो छोड़ देता हूं मैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन ऐसा है वो टेम्परेरली छोड़ देता है, शायद आप भी वैसा करते हाँ हो, वैसे लेकिन उसको टेम्पररी छोड़ वापस से कर लेता है क्योंकि अल्टीमेटली तो खत्म करना ही है ना, ऐसा जी 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 भी हो सकता है। हर जी एक टर्म का मतलब ये नहीं है कि उतने तक हमें सीमित नहीं रखना, वी हैव टू गो बियॉन्ड, हमें उसके आगे भी सोचना है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आप ही का जैसे लिया, आपने बोला आप काम छोड़ देते हो सकता है आप थोड़ा मे बी 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन छोड़ देते हैं, फिर आपको लगेगा करना तो पड़ेगा, तो आप वापस बिल्कुल करते हो और उसको खत्म कर देते हो, ऐसा भी हो जी सकता
हाँ सही है. फिर तो ये भी मैच कर गया, सो दैट्स नाइस ना. ओके या ग्रेट. सो लेट्स डू दिस शेप्स नाउ. ओके लेट्स डू दिस शेप्स के अंदर आपने जैसे लोगों का फेस जब हम देखते हैं, हमारे सामने भी कोई बैठा होता है, कोई बात कर रहे होते हैं हम किसी से. सो नाउ आई ऑन दीज शेप्स आई टेक समबडी एल्स. पंकज जी आपका एनालिसिस मैंने जोन्स के हिसाब से किया था, तो इसके बाद हम जी फेस शेप्स के हिसाब से देखते हैं. सो फेस की शेप्स अलग अलग तरह से होती हैं. गोल हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल. और इसमें हम हर एक शेप को अपने एक एलिमेंट के साथ हम जोड़ सकते हैं. जी ट्राइंगल को फायर के साथ होता है, राउंड को वाटर, स्क्वायर अर्थ, ओवल मेटल, इन्वर्टेड ट्राइंगल वुड. तो ये जो हमारे फेस के शेप्स हैं, इनको कोई ना कोई एलिमेंट के साथ हमने प्रेजेंट किया. मैं आपको रियल लाइफ पीपल में भी दिखा देती हूँ. जी जैसे आप फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं, लुक एट ऑल द शेप्स. ये सारे जो है सर्कल, ओवल, जो ये हार्ट बना हुआ है, इसको आप ट्राइंगल मान सकते हो. क्योंकि जब हम एक फेस का एनालिसिस लेते हैं, जैसे उसके बाद वाला इन्वर्टेड ट्राइंगल जो आया हुआ है सेकेंड लास्ट पिक्चर में, सो हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है. एंड मेरा कैमरे में आ रहा है ना, जैसे लाइक दिस, मतलब जो मेरा साइड्स है फेस की, ये एक एंगल बनाएंगे. अब एंजेलिना जोली का यहाँ देखिए, इसमें इसको मैं स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलूंगी, बिकॉज इनकी दोनों साइड्स पैरेलल है यहाँ से, रेक्टेंगल एंड है. ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल, जो भी इसको आप उन दोनों कैटेगरी के जो भी मतलब होते हैं, दे आर सिमिलर, सो यू कैन टेक इट इन स्क्वायर और रेक्टेंगल. बाकी शेप साइजेस क्लियर है, सबको समझ आ रही है? जी तो हर एक का अपना ही होता है. ठीक है, ठीक है पंकज जी, आप लेकिन कर मतलब सकते हैं. मेरे आई को ये टेक समबडी जानना एल्स. हाँ जी है, सॉरी. आप बोल रहे हो कि जो हार्ट है वो भी ट्रायंगल है. हार्ट को आप, हार्ट देखिए, हार्ट में क्या है, उन्होंने तो यहाँ से एज बनाया हुआ हाँ ना. हाँ हम नीचे फोरहेड से तो. लेते हैं, फोरहेड इज ऑलवेज टेकन कि हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान लेंगे. अगर आप पहला वाला सेलेना गोमेज का अगर पिक्चर देखेंगे, उसमें इट्स अ राउंड वेरी क्लियर फ्लो ऑफ फेस. राउंड. हाँ इट इज अ वो पूरा कंप्लीट राउंड, राउंड देर इज नो, इट्स वेरी स्मूथली यू नो सर्कुलर, इसमें बहुत कोई गैप भी क्लियरली नहीं है. दिखते करेक्ट. तो थोड़ा सा एनालिसिस के टाइम पे आपको उसको लाइंस या कर्विश लाइंस के साथ डिफाइन करके उसको सीखना पड़ेगा कि इस तरह से हम उसको शेप कौन सी कैटेगरी में डालें. राइट. सो अब हम ऐसा करते हैं, हम किसी का फेस ले लेते हैं. आई अगेन स्टॉप शेयर, मैं यहाँ स्टॉप शेयर कर देती हूँ. ओके अब हम इसको हम शेप्स के हिसाब से लेते हैं. तो अभी किसको अपना एनालिसिस कराना है? पंकज मैम. मेरा ही ले लो ना अभी. जी आपका हो गया, सो इट विल नॉट बी वेरी जस्टिफाइड फॉर अदर्स. तो हर एक को ओके एक ओके ऑप्शन मिलना चाहिए. तो थैंक यू यस, या आई होप यू अंडरस्टैंड. बताइए ओके थैंक यू थैंक तो कौन कराना चाहता है? कोई और नहीं है तो फिर पंकज जी को ले लेंगे वापस से. अच्छा सीमा जी, ओके वेलकम. सीमा जी वॉज प्रेजेंट इन द लास्ट यू सेमिनार. मैम. इट्स गुड आई गुड वाज टू क्वाइट सी लेट यू. फॉर या इट्स सो गुड टू सम सी यू. रीजन. हाँ जी, नो नाइस प्रॉब्लम, टू नो सी प्रॉब्लम. यू आप मैम. सीमा जी अपना फेस का एनालिसिस जो कराएंगे ना, जस्ट प्लीज स्टेशन हो जाइए. हाँ, सिट एट अ प्लेस एंड ब्रिंग योर फेस क्लोजर टू द कैमरा. यस जस्ट नीड चिन तक का, इट्स ओके. आप आराम से बस सामने, और थोड़ा सा सामने ले आइए, जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर. या दैट. अब प्लीज, अब जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट ओ म्यूट हो चुकी हूँ, सॉरी हाँ जी आप म्यूट थे. हाँ सॉरी. यस हाँ इट्स राइट. ओके नाउ. हाँ सीमा जी, सीमा जी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपना अपना व्यू पॉइंट दीजिए भाई, कैसा शेप है उनका. अब तो सब सीख गए हैं. मैम ओवल शेप है ना फेस का थोड़ा, ओके ओके फर्स्ट इसलिए कंफ्यूजन हो रही है. जोन फेस थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा ही नहीं दिख रहा मेरे को तो पता नहीं कहाँ है. आगे सीमा जी वाले. हाँ सामने बस सीधा रखना. ओवल एकदम ओवल और नीचे ट्राइंगल में वो है कि जो नीचे की तरफ ट्राइंगल है ना मैम से वो क्लोज. ट्राइंगल है, लेकिन वो हम नीचे से इसको चक्कर. ओवल में, हम इसको ओवल में रखेंगे. उसका रीजन है कि जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे दोनों साइड्स में या तो सीधा या इस तरह से निकला हुआ अगर हैंड्स आते हैं, उसी तरह से जब हम पिक्चर सामने रखते हैं, सो यू स्केल इट, यू नो यू मार्क इट. सो इट ट्राइंगल का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर चिन की तरह या प्रॉपर ऊपर ट्राइंगल बनेगा. ऑब्वियसली फेस है, किसी का फेस किसी से मैच नहीं कर सकता,
इट हैज टू गो लाइक दिस, थोड़ा नीचे बन तो ओके हमारा ये इन्वर्टेड ट्राइंगल, अगर ऐसे तो मीट्स हमारा नॉर्मल ट्राइंगल, यू नो लाइक दैट. तो सीमा जी का, क्योंकि यहां से देखिए ये फोरहेड वाला पार्ट कर्विश है, नीचे से भी कर्विश है, सो आई थिंक इट इज अ, एज फार एज आई कैन सी ऑनलाइन, इट अभी इज अ ओवल शेप. ये 2-3 साल से थोड़ा मैं प्रॉब्लम के कारण ना हेड प्रॉब्लम करण हाँ फेस शेप चेंज है, अदरवाइज आई वाज टोटली ओवल. मेरी जी, फोटोग्राफ्स जो आई वुड पुरानी है ना रिक्वेस्ट अगर उसको मैं एवरीवन टू दिखाऊं प्लीज म्यूट योर सेल्फ तो इफ यू पूरी आर तरह नॉट से टॉकिंग ओवल है. प्लीज. हाँ जी यस हाँ जी. तो ये सीमा जी, जैसे अभी क्या होता है कि मैं आपको ये भी एक हाँ, पॉइंट अब जो थोड़ी आपको, चेंज आ रही है उसके कारण इनको लग रहा है. आपसे जो बात करके अभी मेरे को एक और पॉइंट शेयर करने का हुआ, मैं वो ही बताना चाह रही हूँ कि जैसे कभी किसी का फेस, जैसे यू नो हेल्दी इंसान है, बीमार हो गया, थोड़ा सा कमजोर हो गया, आपका जो एनालिसिस फेस पे होता है, वेन एवर यू डू अ फेस एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, इफ इट इज अ पिक्चर और इफ इट इज लाइव, डू और गो फॉर द करंट डेटा. यस करंट डेटा विल एक्चुअली टेल यू व्हाट इट इज उस टाइम पे, यू नो. यस सो इट व्हाट मतलब इज ये है कि हैपनिंग इन आपका प्रेजेंट. आपका जो बेसिक नेचर और योर बेसिक ट्रेट्स विल नॉट चेंज. आई विल नॉट से कि आज मेरा फेस जो है वो थोड़ा पतला हो गया और मेरा चिजेल्ड हो गया तो मेरा नेचर बदल जाएगा. यू कैन नॉट, बट ऑफ कोर्स यू नो यू कैन मेक इट अ करेक्टिव थिंग एंड यू कैन प्रोबेबली उस टाइम पीरियड में यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर वे जो उसके ट्रेट्स बता रहे हैं उस टाइम के फेस के, ऐसा होता है. ऑल राइट right. तो अब सीमा जी का एनालिसिस करेंगे हम, मैं स्क्रीन शेयर लगाती हूँ वापस से. सो यस, ऑल द स्टूडेंट्स आई थिंक शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग हियर. ऑल राइट, यहाँ आ गए. हमने ओवल डिसाइड किया था उनके लिए. यस मैम. ओके, सो लेट्स कम टू द, स्क्वायर आ गया, ये आ गया. हाँ ये आ गया ना, ओवल वाला ये है. सो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ गया मेरा, मेटल मेटल का शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं इसको ऐसे रीड करती हूँ, सीमा जी जस्ट गेट मी यू नो योर अंडरस्टैंडिंग एंड लेट मी नो इफ आई हैव टू बी करेक्टेड, कि यहाँ मैं रीड कर रही हूँ दैट दे हैव अ सेंस ऑफ राइटियडनेसनेस. तो इसका मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसकी आपको अच्छी सी सेंस होती है, आपको नॉलेज है, आपको सेंस है उस चीज की, और जस्टिस के ऊपर आपका फोकस रहता है, आप उसकी नॉलेज और सेंस रखते हैं, एंड दे आर वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग. इज दैट एप्लीकेबल टू यू? यस मैम. इज दैट करेक्ट? यस ओके, दैट्स नाइस. उसके बाद हम आगे चलते हैं. पीपल विद मेटल फेसेस आर सूटेड फॉर पोजिशन दैट इन्वॉल्व जस्टिस. ये एक यू कैन से ये एक प्रिडिक्शन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या सजेस्टिव मेजर किसी को दे सकते हैं कि इस तरह के लोग, क्योंकि उनको राइटियसनेस की बहुत ज्यादा सेंस होती है, वो जस्टिस का बहुत सेंस करते हैं, इसलिए वो एक जस्टिस जैसे फील्ड में जहां पर डिसीजन मेकिंग का, जैसे जजेस हो गए या मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो गए या डिप्लोमैट्स हो गए, उस तरह के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं. एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द फीचर्स वी आर एनालाइजिंग. हम सिर्फ फेस की शेप पे बात कर रहे हैं, दे आर सो मच मोर, यू नो देर सो मच मोर थिंग्स टू इट. सो आई होप हम शेप की बात करें तो मैं ये बात क्लियर कर पा रही हूँ कि अगर कुछ नहीं भी मैच कर रहा किसी भी पॉइंट पे, सो ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे और फीचर्स हैं, बट क्या ये बात ठीक है जो आपके फेस के शेप के हिसाब यस से? सीमा जी यस आई हैव अ गुड सेंस फॉर जस्टिस इधर फॉर माई सेल्फ और फॉर अदर्स. दैट्स नाइस, आई दैट्स नाइस. कैन फाइट फॉर अदर्स. एक्चुअली आई फाइट फॉर अदर्स यू स्पेशली हैव जो दैट मेरे सेंस पियोन्स हैं, ऑल्सो. मेरे देखो पियोन्स विश हैं इसमें या मेरे इसमें कुलीग्स हाँ, हैं, ले उनके आई लिए अगर कोई जस्ट गलत करता है ना, दैट आई कांट टॉलरेट. नहीं सुनिए, जैसे इसमें क्या होता है, हाउ दीज शेप पीपल एंड मे बी अदर्स आर डिफरेंट, क्योंकि मेरे चाहने की भी बात नहीं है, दे आर नेचुरली लाइक दैट, यू नो दैट्स द डिफरेंस. दे हैव दैट सेंस, आप कर रहे हो, आपका उसका रिजल्ट 100% नहीं भी हो रहा है, यू आर प्रोबेबली नॉट एबल टू डिलीवर रिजल्ट्स इन दैट, कुछ गलत हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हो, वो काम नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए फाइट करते जा रहे हो, वो एक अलग बात है कि काम हुआ या नहीं हुआ, बट यू हैव अ गुड सेंस ऑफ दैट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज यू नो राइटियडनेस, दैट दैट वे आई एम टॉकिंग. इज दैट ओके? ओके, यस मैम. वंडरफुल. तो अब हम, हाँ जी हाँ यस यस
ओके, तो हम एक और किसी का फेस का शेप का नहीं, एनालिसिस नहीं ले रहे जॉन थे? के हिसाब से जो आप एनालिसिस कर रहे थे। हाँ जी, जोन का। अच्छा, मैंने तो वैसे शेप का लेते, हाँ जोन का भी हम लास्ट में कॉमन में ले लेंगे। अभी मैं ऐसे एक एक चीज को बता के कर रही हूँ, सो लेट मी ठीक टेक समबडी एल्स फॉर अ शेप, यू है, नो, ओके जिसका मैम, मैं थैंक देख रही हूँ। यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सो हु एल्स फेस शेप के लिए? कोई और नहीं आ रहा है? कोई नहीं, तो मेरा लिस्ट। अच्छा, सुनीता जी, वंडरफुल, आ जाइए आप। तो आप अपना ग्लासेस हटा दो वैसे तो, क्योंकि शेप के हाँ लिए मैम, इतने श्योर, ग्लासेस का प्रॉब्लम मैं नहीं होता है, एक बट स्टिल। बैकग्राउंड हटा देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हाँ, वो भी आप हो कर सकते हो। जाता या राइट, दैट्स बेटर। हाँ जी, अब आप ग्लासेस उतार के जस्ट ब्रिंग योर फेस क्लोजर सो दैट वी कैन सी इट। है। ये वंदना जी, डॉक्टर राजीव जी ने ज्वाइन करा होगा, उसके बाद इनका फेस रीडिंग कर लीजिएगा। ओके ओके, डॉक्टर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, साहब थैंक नमस्कार। यू। आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल, एक्चुअली इट्स सो नाइस, एंड आई थिंक वन ऑफ माय वेरी बिजी फ्रेंड्स अनुभा हैज आल्सो जॉइंड, शी इज देयर इफ आई एम नॉट। चलो अनुभा जी का भी कर लीजिएगा। वेलकम वेलकम, ऑल राइट, ओके। सुनीता जी का एनालिसिस अब स्टूडेंट्स करते हैं, लेट्स जस्ट डू द एनालिसिस ऑफ हर। क्या लग रहा है शेप के बारे में, कोई बताना चाहेगा? पंकज जी आप बताना चाहेंगे, सीमा जी आप बताना चाहेंगे इनके फेस के बारे में कि कैसी शेप है? राउंड या राउंड? ओके, राउंड लग रही है मुझे भी। हाँ, क्योंकि राउंड कभी ही है। कभी क्या होता है, हमें राउंड लगता है, बट जैसे मैंने बोला कि हम जब यहाँ दोनों हाथ अपने रखते हैं या हम स्केल से लाइन जब करते हैं, सो उसमें हमें थोड़ा सा एंगल ऐसे या ऐसे पता चलता है, सो इट कैन बी अ ट्राइंगल, नहीं, इनवर्टेड ट्राइंगल और समथिंग, बट योर इज राउंड बिकॉज यू हैव अ राउंडिश फोरहेड एंड इट यस इज मैम, मूविंग लाइक दिस, सो वी कैन ऑलवेज गो टू दैट राउंड का जो हमारा यू नो फीचर्स हैं, मैं उस पर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ भी। सो अवर राउंड फेस हैज, कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो वॉटर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड को, ठीक है? सो वॉटर फेस जो है वो राउंडेड फेस है, राउंडेड फेस वॉटर फेस है, हम वैसा बोल सकते हैं उसको। एंड इसमें हम इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, अडेप्टेबिलिटी, जैसे पानी को आपने देखा है कि पानी अगर ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा, बड़े बर्तन में डालो तो बड़े बर्तन का लेगा, जिस भी शेप में डालो, सो दे आर वेरी वेरी अडेप्टेबल पीपल एंड दे आर वेरी अडेप्टेबल इन रिलेशनशिप्स इन पर्टिकुलर, ओके? एंड दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन एंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम अलॉन्ग। ऐसा होता है कि उनमें एक बिजनेस का थोड़ा सेंस उस तरह का होता है जहां पे वो अपॉर्चुनिटीज को समझ के उसको ग्रैब कर सकते हैं, दे हैव दैट क्वालिटी इन देम, दैट ट्रेट इज देयर। क्या ये आपके साथ एसोसिएट होता है? यस मैम, ओके, अब इनकी वीकनेस, वीकनेस में भी मैं बता सकती हूँ ये कि जो वाटर वाले जो फेस के जो या राउंड शेप जो लोग होते हैं उसमें उनकी टेंडेंसी जो होती है ना, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग अ डिसीजन, तो उसकी वजह से लोग उनको सोचने लगते हैं कि बड़े स्लो हैं ये, वो सोचते बहुत हैं, सोच समझ के करते हैं काम, बट उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि बड़े तुम अभी तक काम नहीं खत्म किया, क्या हो गया, तुम अभी तक डिसाइड नहीं किया, सो दे फील दैट यू आर वेरी स्लो। यस इज दैट ओके? ओके, दैट्स एग्जैक्टली नाइस। उसके बाद हम एक और वीकनेस ये ले सकते हैं कि दैट दे आर वेरी वेरी यू नो दे लव फूड। लव फूड का मतलब ये नहीं मैं बोलूंगी कि ज्यादा खाना खाते हैं, वो नया नया खाना खाना या नया नया डिशेस ट्राई करना पसंद है उनको। सपोज कोई नया रेस्टोरेंट खुला है तो वो कहेंगे कि आज वहां जाके खाएंगे, लेट्स ट्राई दैट, यू नो, खाने से रिलेटेड एक्सप्लोर बहुत करते हैं, खाना खाते नहीं है ज्यादा इतना जितना कि वो एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं, दैट इज देयर नेचर। ये सूट करता है आपके साथ? ओके, चलो, वंडरफुल, दैट्स नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे ओके, वेलकम, लोगों को गुड। फूड ब्लॉगर बनना चाहिए। हाँ, राइट राइट राइट, ये एडिशनल एडिशनल काम आप कर सकते हो, ये एक हाँ राइट।
चलो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट किसी फीचर पे जाते हैं. मैं फिर स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. सो लेट्स गो आउट ऑफ शेप्स एंड डू समथिंग एल्स. ओके वन सेकेंड. तो ये तो हमने किया अभी शेप्स का हमने किया था. सो अब हम आ जाते हैं नीचे फोरहेड पे. तो जब हम फोरहेड का एनालिसिस करते हैं तो फोरहेड का एनालिसिस होता है हमारी हेयर लाइन से. जैसे मेरे आप बाल देख रहे हैं, मेरे बाल पीछे हैं. सो यू कैन ऑलवेज यू कैन सी माय हेयर लाइन. माय कैमरा ओके कैन यू सी. अभी ठीक आ रहा है ना. तो जैसे हेयर लाइन जो मेरा है उससे पता चलेगा कि मेरा फोरहेड का शेप कैसा है. सो फोरहेड का जो शेप होता है वो राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है. ठीक है. गोइंग फर्दर आपका विडोज पीक हो सकता है. जैसे यहाँ एक चोंच से नेचुरल निकली होती है कई लोगों का, तो उसको हम विडोज पीक कहते हैं. अनइवन हेयर लाइन हो सकता है. अनइवन हेयर लाइन का मतलब अनइवन शेप्ड फोरहेड हम उसको बोल सकते हैं. अब मैं आपको कुछ लोग दिखा देती हूँ जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं. जैसे ये लार्ज फोरहेड है, रिहाना की पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि लार्ज फोरहेड है. और ये लार्ज फोरहेड जो है, ये कई लोग कहते हैं ना जिनके बाल ही नहीं है तो उनके हेयर लाइन से आप कैसे करोगे. आपको पता है तो बाल ही नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फोरहेड ही नहीं है. तो आप उसको लार्ज फोरहेड कैटेगरी में डालते हो, राइट. एंड अगर आप इधर जायन मलिक को देखेंगे तो इनका फोरहेड बहुत छोटा है, बाल पीछे ही है, बट यू कैन सी दैट यू नो ही हैज अ स्मॉल फोरहेड. अब आप नीचे जाएंगे, अगर और पिक्चर्स देखिए, ये मैंने आपको सॉरी नीचे नहीं, ऊपर में मैंने आपको दिखा दिया. दिस ऑल इज क्लियर. सो लेट्स कम टू द एनालिसिस. ओके, जैसे अगर हम राउंड फोरहेड की बात करते हैं तो जो राउंड फोरहेड के लोग होते हैं दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड, मतलब उनको लोगों के साथ रहना बहुत पसंद होता है. एंड दे हैव मेनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स. उनके फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत बहुत सालों पुराने वाले होते हैं. एंड दे आर वेरी अदरवाइज ऑल्सो दे आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स. ओके अगर उनको एक काम करना है, जैसे अगर उनको एक जॉब पे है वो, या उनका जो भी बिजनेस है, जो भी उनका काम है, सो दे आर वेरी फन लविंग एंड वेरी पीपल ओरिएंटेड. तो वो कहेंगे कि आज अगर हमने एक प्रेजेंटेशन करनी है या आज हमने एक कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, सो लेट्स जस्ट प्लान अ कंपनी पिकनिक रादर देन सिटिंग इन अ बोर्ड रूम एंड डूइंग अ मीटिंग. उनका नेचर ऐसा होता है. एंड दे लव टू टेक दे क्लाइंट्स आउट फॉर डिनर. जैसे अगर समझ लीजिए कोई दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से उसकी कंपनी में कोई आदमी आता है, सो वो उस बंदे को अपने उस प्रेमिसेस में ना बिठा के उसको अपना सिटी के लिए ले जाएंगे, उसको अपने यहाँ की कोई नई जगह दिखाएंगे. और वो ये बोल सकते हैं कि लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस विद यू, आई वुड लाइक टू गो एंड एक्सप्लोर दिस. वो अंदर एक बंद एनवायरमेंट में काम करने वालों में से नहीं होते हैं. अगर उनको आज डेट पे अगर जाना होगा तो वो डेट पे बोलेंगे, जैसे अगर एक लड़का है और उसका फॉर एग्जाम्पल हमने एक लड़के का ले लिया कि राउंड फोरहेड आता है, तो वो ये बोलेगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मे बी उसके भाई बहन और अपने भाई बहन को भी ले जाना चाहेगा, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी पीपल ओरिएंटेड. सो दीज आर द ट्रेट्स वी पिक्ड अप फॉर अ राउंड फोरहेड. सो इफ समबडी वॉन्ट्स टू गेट अ फोरहेड एनालिसिस, मे बी आई सी कैसा शेप है और उसके हिसाब से फिर हम इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम उसको स्टडी कर सकते हैं. सो आई विल डू अ स्टॉप शेयर एंड देन यू कैन रेज योर हैंड्स. सो बताइए किसको कराना है, किसी को अपना फोरहेड एनालिसिस करवाना है. रचना जी इज देयर, विवेक जी इज देयर. किसी को अपना फोरहेड का एनालिसिस के लिए कराना है? मेरा आप कर दीजिए. हाँ नो प्रॉब्लम, आप अपना फेस पास ले आइए. एंड आपके बाल जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ पूरा जितना भी थोड़ा आगे आ रहे हैं. एंड कम इन लाइट पंकज जी, थोड़ा लाइट कम आ रही है, जहाँ थोड़ी लाइट है वहां. ये इनका फोरहेड का देखिए कैसा है, बिल्कुल ऐसे पीछे, थोड़ा सामने करिए अपना फेस, थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा है. थोड़ा सा दूसरी साइड. हाँ बस अब बिल्कुल सीधा है, अब बाल पीछे करिए पूरे, जहां से आपके बालों का, हाँ वो दिख रहा है ना. ओके इनका कैसा है फोरहेड बताओ मुझे आप. सुनीता जी आप बताओ कैसा है. हमने अलग अलग कैटेगरीज देखी, राउंड हमारा राउंड था, हमारा स्क्वायर था, हमारा वुड स्पीक था, और हमारा यू नो अनइवन था. सो हम हेयर लाइन के हिसाब से चल रहे हैं. तो आपको क्या लग रहा है इनका, जितना भी आपको क्लैरिटी इसमें है उसमें बताइए. लग रहा है
जैसे हम हाई फोरहेड में इसको नहीं लेंगे, द रीजन बीइंग जो इनका हेयर लाइन है इट इज कमिंग एज अ राउंड, सो वील टेक दिस फोरहेड एज अ राउंड फोरहेड. सो इनका राउंड फोरहेड की कैटेगरी में जो मैंने अभी चीजें बताई पंकज जी, वो आपके आपके फोरहेड शेप के लिए एप्लीकेबल है. क्या वो सही है कि आपको मतलब जो भी मैंने अभी ट्रेड्स बताया कि आपको ध्यान है, मैंने अभी क्या बताया राउंड के बारे में, कुछ मैच कर रहा है आपके साथ? नहीं, वो तो मैच नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, उनके लिए बताया था फिर आप अपने बाल वापस पीछे करिए, हो सकता है शेप करेक्ट ना हो. तो आप बताइए सुनीता जी, आप जो कह रहे थे हो सकता है वो हो. आपको क्या लग रहा है, इवन है ये गोलाई जो है, कैसा है यहाँ आपका फोरहेड, आप खुद बताइए पंकज. ये स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि देखो अब इसमें जैसे क्योंकि हमारा अब ये देखिए ना, यहाँ स्ट्रेट लाइन टाइप भी आ रहा है, जैसे ये लाइन जो स्ट्रेट सी आ रही है, एंड देन हिज फेस इज गोइंग लाइक दिस. सो लेट्स सी द स्क्वायर का ट्रेट्स, मे बी दैट इज मैचिंग विद हिज. ओके, सो आई एम कमिंग टू दैट स्क्वायर शेप. ओके, कमिंग टू द स्क्वायर शेप. अब स्क्वायर के अंदर आता है कि बहुत ज्यादा करियर माइंडेड है, करियर ड्रिवन है राधव. करियर ड्रिवन का मतलब करियर की तरफ उनका बार बार फोकस चला जाता है. बिल्कुल सही है मैम. बहुत बहुत घंटों तक काम करना पसंद करते हैं, ऑफिस में ही बैठना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं. ये मैच कर रहा है जी? बिल्कुल मैच कर रहा है. स्क्वायर, मैं अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ. ओके, दैट्स वेरी नाइस. और अगर हम ये बोलें कि आप एक ऑफिस में हैं या आप काम पे हैं या आप जॉब पे हैं, किसी का कर्सर मूव कर रहा है, प्लीज टेक केयर अपने कर्सर के लिए. द ब्लू लाइंस कमिंग ऑन माय स्क्रीन, प्लीज बी वॉचफुल. इसको हटा दीजिए अगर हटा सकते हैं तो. ओके, आप जॉब पे जब रहेंगे तो आप कहेंगे, जैसे सपोज करें आप मैरिड तो होंगे, मैरिड हैं? हाँ जी. ठीक है, तो आपकी वाइफ का फोन आ जाएगा और वो आपको कहेंगी कि आप काम करना बंद करो, घर आओ, बहुत देर हो गई है. सो आप कहेंगे कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी थोड़ा काम करना है मुझे, ये खत्म करने के बाद करूंगा. बिल्कुल सही है, ये सही है. ओके, अगर आपके किसी कुलीग का भी फोन आ जाता है या आपके किसी क्लोज फ्रेंड, वाइफ का तो चलो जो भी है मतलब आप समझते हैं कि यू नो जनरली आप बोल सकते हैं, पर अगर कोई कुलीग का भी आ जाता है तो आप अपना असाइनमेंट जिसपे काम कर रहे होंगे आप उसको बोलेंगे कि ये असाइनमेंट अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें 2 घंटे बाद होगा, चाहे उस टाइम 2 घंटे के बाद 12 भी बज जाए, आप बोलोगे कि 2 घंटे के बाद मैं तुम्हें जैसे ही खत्म होगा वैसे ही करूंगा. बिल्कुल सही है मैम. ये सही है. ओके, एंड अगर आपको डेट पे जाना हो, अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाना हो या जनरली वो डेट पे जाना हो, सो आपको कोई अगर बोल भी रहा है या अगर वो आपको कहें कि आपको हमें कहीं ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, मूवी ले जाओ, व्हाटएवर, सो आप उस डेट के लिए बोलेंगे कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता. बिल्कुल सही है मैम. स्क्वायर, यू हैव अ स्क्वायर फॉर इट, राइट? राइट. ओके मैम, एक चीज पूछा था, ये फाइनेंशियल कंडीशंस पता चल सकती है कि फेस से फाइनेंशियल? देखो वेल्थ और हम वो नहीं देख सकते कि वेल्थ कितनी है किसी के पास, बट जैसे बहुत सारी ट्रेड्स ऐसे होती है, जैसे जैसे अब ये हमने पिछला वाला वेबिनार भी जब किया था तो उसमें मैंने कुछ लोगों का एनालिसिस में उनको वे ऑफ डूइंग थिंग्स और नॉट डूइंग थिंग्स बताया था कि अगर हम आपका नेचर समझ रहे हैं कि जैसे आपका कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल काम बन नहीं रहा है, आपके काम बार बार रुक जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हो जो नहीं करना चाहिए, तो हम वहां से ये चीज पिक कर सकते हैं कि जो काम पता है कि टाइम बेकार हो रहा है, हमें ये चीज समझ आ रही है, एक पैटर्न समझ आ रहा है, तो हम उसको ना करें. तो ये एक हम हैबिट जो हमारी बन गई है उसको बदल लें तो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक अच्छा काम कर सकती है, रादर देन हम फ्यूचर प्रोडिक्ट करना तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हम तरीके ढूंढ सकते हैं फेशियल एनालिसिस से जिससे कि हम अपने सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, बेटर लाइफ कर सकते हैं जी. तो वो हर एक जगह पे फिर रिफ्लेक्ट होगी ना, वो आपके पैसे पे भी रिफ्लेक्ट होगी जब आपका तरीका काम करने का ठीक होगा, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर मनी, योर रिलेशनशिप्स, ऑन एवरीथिंग जी. सो बट एज इन लाइक अगर आप वेल्थ पूछे तो वो हम इसका हमारे हमने जो शुरू में डिस्कस किया था उसका एक कंस्ट्रेंट है कि हम वेल्थ नहीं देख सकते, किसी की एजुकेशन नहीं देख सकते, सिबलिंग्स नहीं देख सकते, कितने भाई बहन है, तो कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन इसमें रहती है. बराबर है, राइट? ओके. किसी को अपना फोरहेड एनालिसिस और लेना है? सुधीर जी वेलकम. यस मैम.
कैसे हैं आप? गुड, आपकी तो मॉर्निंग है। हाँ, सॉरी इन्होंने तो कनाडा से ज्वाइन किया है। गुड सॉरी इवनिंग, मैम, गुड गुड इवनिंग आफ्टरनून, गुड जी। इवनिंग मैम। ठीक आपको है कुछ मैम। एनालिसिस वगैरह कराना है? हाँ मैम, कराना है मैंने, अपना आपको कराना है। क्या फोरहेड का कराना है? संदीप जी बताइए। हाँ चलिए ठीक है। आप अपना फेस थोड़ा सा पास ले आइए और अपने बालों को बिल्कुल जस्ट होल्ड देम पीछे एंड मेक इट विजिबल कि हेयर लाइन आपकी नजर आए बस। ठीक है, जितने भी लोग अब सब स्टूडेंट सीख भी चुके हैं। सुनीता जी, सीमा जी बताइए। सीमा जी आप बताइए इस बार। अब इनके बाल पीछे कर लो सुधीर जी, ऐसे पूरा ना जैसे हेयर बैंड लगा ना मेरा, ऐसा मेरे हाथों से हेयर बैंड लगा लो इसे। पड़ेगा हाँ, और पास ले आओ थोड़ा फेस को, फेस को थोड़ा ब्रिंग इट क्लोजर टू द कैमरा। राइट, अब सीमा जी इनका बताइए फोरहेड कैसा है। इनका क्या था जो सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था ना? स्क्वायर, अभी जो हमने पंकज जी का यस बताया ये स्क्वायर शेप ही यस लग रही है मुझे भी, करेक्ट? हाँ जी तो अभी जो आपने फीचर्स बोले सुधीर जी, आपने सुने जो मैंने पंकज जी को बताया? नहीं, मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया था, उठा था अभी, अच्छा, मैं ज्वाइन किया दोबारा अभी। से उसको कर देती हूँ। आपका जो फोरहेड का शेप मेरे को वर्चुअली नजर आ रहा है, दैट इज स्क्वायर शेप। ठीक है, तो मैं एक मिनट यहाँ लगा देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये स्क्वायर शेप के हमने फीचर्स पढ़े थे। उसमें क्या है, आप बहुत ज्यादा करियर ड्रिवन है, अपने करियर की तरफ आपका बार बार झुकाव हो जाता है। यू नो, यू ऑलवेज आपका ध्यान और आपका फोकस करियर पे ही चला जाता है। जो भी काम आप करते हैं उसमें आपका ध्यान है और बार बार उधर ही चला जाता है। और आप घंटों तक काम करना आपको पसंद है, आप लगातार काम ही करते रहते हैं, बहुत फोकस्ड भी हो बिल्कुल अपने सही, काम के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही घर है। वालों को, फैमिली को कोई आपको बोले कि यू नो कहीं जाना है, कुछ करना है, तो आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, उस तरह का? आज नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा करते हो आप? उस टाइम पे आपको काम लगता है काम काम ही प्रायोरिटी है, करेक्ट बिल्कुल काम को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है? है ओके। अच्छा, अगर आप काम पे हो, सपोज जैसे आप कनाडा में हो और कोई आपके वर्क से रिलेटेड मे बी दूसरे टाउन से ही आ जाता है, अगर सो दूसरे टाउन से आ रहा है, या यू नो, कोई आपके काम से रिलेटेड अगर कोई और कंट्री से भी आ रहा है, तो आप उसके साथ एक कमरे में ऑफिस में बात करने के बजाय उसके साथ अपना सिटी दिखाने में, एक नए रेस्टोरेंट में जाने में, वहीं काम की बात भी करोगे, उस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो अगर आपको ऑप्शन मिले तो। ऑप्शन कम ही मिलती, क्योंकि जहां पर टाइम इतना बिजी होता है कि किसी को मतलब ज्यादा घुमाने का टाइम नहीं मिलता मैम। और अगर वो कोई काम करने वाला बंदा ये बोलेगा कि मतलब आपको जैसे मिलना है मुझे, जैसे चाहे वो वर्क से रिलेटेड भी हो, तो आप बोलोगे नहीं अभी मैं ये खत्म कर लूँ, उसके बाद देखता हूँ, रात को 12 बजेंगे तभी करूंगा, चाहे 12 1 बजे जो भी है, बट मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मैं मिडिल में हूँ काम के। क्या ये जी सही है? ठीक ठीक है, है, तो ठीक है, आपका स्क्वायर एनालिसिस ठीक है फिर। ओके, ठीक तो है। अब हम दूसरा फीचर ले लेते हैं, कोई अगर किसी को फोरहेड नहीं कराना है और, तो जैसे अभी किसी ने ज्वाइन किया है VivoY2IT, हु इज दिस पर्सन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ राधे राधे मैम, जी, हाँ जी, राधे राधे, क्या नाम है आपका? विष्णु देव मिश्रा, रांची से हूँ, झारखंड ओके से। ओके ओके ओके, विष्णु मैम जी, मेरा विष्णु जी। फॉरहेड का थोड़ा देख लीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ, मैंने एक्चुअली आपको देखा, और मैंने देखा आप थोड़ा हेयर रिसीडिंग हेयर लाइन है आपकी, तो उस तरह के किसी भी पर्सन के लिए हम कैसे करते हैं, तो मैं उसको देख के ही मैंने आपको बोला। सो आप थोड़ा अपना फेस को कैमरा के पास ले आइए और पास आ जाइए थोड़ा सा, और मतलब इट्स, हाँ इट्स, एंड ब्रिंग इट डाउन, थोड़ा सा नीचे करो फेस अपना, चिन को नीचे, मतलब नीचे की तरह ऐसे। हाँ, अब इसमें आप बताइए ये कैसा शेप है? इसको हम हाई फोरहेड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनका, इफ यू डोंट माइंड आई कैन से, लाइक थोड़ा बॉल्डिनेस की तरफ जा रहा है आपका, करेक्ट? आपके जी बाल जी हट गए हैं ना थोड़े आगे से। जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल हाई फोरहेड है वो, और जो बाल्ड पर्सन है या बाल्ड हो रहा है, उन दोनों ही चीजों में हम उसको हाई फोरहेड में कैटेगराइज करते हैं। सो लेट अस कम टू द ट्रेट्स ऑफ हाई फोरहेड, अगर वो मैच करता है। सो लेट्स सी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम यू शेयर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। प्लीज अपना नाम, विष्णु। विष्णु जी, ऑल राइट, ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो लेट्स गो टू दिस।
तो हमने ये देखी, जैसे ही देखा था यहाँ पे रिहाना की पिक्चर थी तो इनका हाई फोरहेड, तो अगर कोई पर्सन जिसके बाल हट रहे हैं वहां से और वो रिसीडिंग हेयर लाइन की तरफ है, उसको हम हाई फोरहेड में ही डालेंगे। तो हम हाई फोरहेड के क्या ट्रेड्स की तरफ आ जाते हैं। हाई फोरहेड जो है हमारा, ये रहा, सो दिस इज हियर। इसका मतलब है कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत क्लियर थिंकर्स होते हैं, इनकी सोच बहुत क्लियर होती है, ये प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और इनको ना जैसे काम को स्ट्रैटेजी बना के करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हर एक काम को वो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रैटेजिक तरीके से करते हैं, एंड दे थिंक इन बिग टर्म्स, सोचते बहुत बड़ा है। क्या ये करेक्ट है विष्णु जी? बिल्कुल करेक्ट मैम। ओके दैट्स सो गुड। ओके अब आप काम के ऊपर कर लीजिए, जैसे आपका जो भी वर्क है, जिस भी काम में आप हैं, जो भी आपकी जॉब है, उसमें अगर हम आपका ये वाला ट्रेड अप्लाई करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू दिस इट सेज दैट द 15 ड्राफ्ट्स ऑफ द मेडिकेयर फंडिंग आर इन कमिटी, आई एम कंसर्न्ड विद ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट डू यू थिंक। सो कहने का मतलब है, यहाँ एक फ्रेज मैंने डाल दिया था, उसका मतलब ये है कि काम के लिए कोई भी प्रोफेशन का कुछ भी आएगा तो वो प्रोबेबली एनवायरमेंटल कंसर्न या जो दुनिया में हो रहा है वो इशू ले आते हैं, वो एक पॉइंट ले आते हैं एज अ डिस्कशन। अगर आपका काम कुछ भी है, आपको पसंद है अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड या जो आजकल दुनिया में चल रहा है उससे रिलेटेड बात करना, तो आप घुमा के टॉपिक कभी ना कभी अपने इंटरेस्ट से वो ले आते हैं, आपकी बातों में ही हो जाता है नेचुरली। क्या ये सही है? जी सही है। आप गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप बोल देना मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। आपको अगर लगता है कि मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सिर्फ एक फोरहेड लिया है ना। देखिए विष्णु जी, आपने लेट ड्रॉइंग किया, मैंने शायद पहले बताया था ये कि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं अपने फेस के जिससे हम एनालिसिस करते हैं। फोरहेड एक एक पैरामीटर है जिसको हमने लिया है, तो अगर आपका मैच कर रहा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी होता इट इज ओके। तो अभी आपका मैच कर रहा है, आपने बोला ओके वंडरफुल। अगर आपको एक डेट पे जाना है या अपनी वाइफ के साथ डिनर पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये कहेंगे कि आई नीड अ पार्टनर आई कैन टॉक टू अबाउट माई आइडियाज एंड प्लान्स। तो आपको लगेगा जैसे डेट का मतलब लाइक यू नो आपकी वाइफ के साथ आप जा रहे हैं या आप किसी फ्रेंड के साथ भी अपने जा रहे हैं, तो आप उसी को चूज करना पसंद करेंगे, उसी चीज का फंक्शन में जाना है या डिनर पे जाना है या कुछ भी करना है, आप वहीं जाने का पसंद करते हैं जहां आपका मैच करे माइंड, जहां आपके आइडियाज और आपकी प्लानिंग या जो भी आपका सोचने का तरीका है वो मैच करे, उसी इंसान के साथ आप जाना चाहते हो। बिल्कुल एकदम 100%। बिल्कुल तो आपका फिर जो फोरहेड है वो बिल्कुल हमने सही देख लिया। हाँ करेक्ट बिल्कुल। दैट्स सो गुड, थैंक यू फॉर एक्चुअली गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सो या एनीबॉडी एल्स फॉर फोरहेड, मे बी देन वी विल गो टू द अदर पैरामीटर देन, अगर किसी को फोरहेड नहीं करना। सीमा जी आपको कराना है? हाँ जी मैम जरूर, इट्स माय प्लेजर। ओके ओके इट्स माय प्लेजर टू। हाँ जी सीमा जी का देखो कैसा लग रहा है आपको, और ये ना हम हाई लो जो भी होता है पूरे फेस के हिसाब से देखना है। सुनीता जी आप बताओ, शकुन जी इज आल्सो देयर, आई थिंक ही शकुन जी इज देयर। हाँ जी हाँ जी शकुन जी आप भी पार्टिसिपेटिव हो सकते हैं। सीमा जी का देखिए फोरहेड, मैं भी दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ प्लीज, हमारे पास और भी पैरामीटर्स हैं आगे, सो विल ऑफ कोर्स आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कोई नो प्रॉब्लम विद मी आल्सो। सो सीमा जी का क्या लग रहा है बताइए। सुनीता जी पूरे फेस के हिसाब से देखना। हाँ सीमा जी का फेस मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा फेस रीडिंग तो नहीं आती, पर जैसे कि मैं उसको देख पा रही हूँ फेस ओवल है और उनका जो फॉरहेड काफी हाई है, ऊपर हाथ का थोड़ा बॉल्ड है कि था पैमा मतलब कि अभी अपने लास्ट पे, और वो जो हेयर जो जा रही है वो थोड़ा सा क्या देता जा रही है मैम। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपके आगे से बाल थोड़े कम हो रहे हैं सीमा जी, वैसे थोड़े से कम हो गए पहले से। शकुन जी की उनसे आवाज आ रही है, शकुन जी प्लीज म्यूट कर दो आप एक बार, सॉरी एंड थैंक यू नाउ। या हाँ बताइए सीमा जी, आपके बाल आगे से कम हुए पहले कुछ सालों में? थोड़े से कम हुए ना, बट मुझे जहां तक लगता है ना सुनीता जी, हम फिर से वही शेप पे आएंगे, मुझे राउंड जैसे लग रहा है इनका। जैसे मैंने आपको कहा ना पूरा फेस हम पहले लेते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फेस है, अब उस फेस के हिसाब से ये हाई है या उस फेस के हिसाब से ये छोटा है, तो हमें उस चेहरे के हिसाब से
उस पूरे डायमेंशन को देखते हुए वो छोटा पार्ट देखना है। तो मुझे लगता है कि राउंड है, बट हम एनालिसिस में देख लेते हैं। पहले मैं राउंड का करती हूँ सीमा जी, फिर आप देखना उसको। राउंड का रिपीट करती हूँ मैं एक बार, ऐसे याद भी नहीं होगा ना आपको। राउंड में हम आ जाते हैं यहाँ। हाँ जी, तो ये राउंड में आ गया हमारा। जैसे राउंड शेप जो इधर देखिए आप, जो एनिमेटेड वाला है, राउंड शेप ही होती है, ठीक है। तो अब हम इसके एनालिसिस वाले पे जाते हैं। जब अब राउंड फेस के जो लोग होते हैं, दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड पीपल, यस, है ना, एंड दे हैव मेनी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, उनकी सालों पुरानी फ्रेंडशिप्स होती है, यस यस, एंड दे आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स, उनको रिश्ते निभाना आता है, यस, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर ये ट्रेड जो था, इसमें यही है कि जैसे कोई आपको मिलता है आपके वर्क में या आपके घर पे या कुछ, आप उसके साथ बाहर जाके कोई अच्छी जगह पे उसको घुमाना, उसको बताना पसंद करते हो। You want to take them out and show कुछ ऐसा कि मतलब जैसे अगर खासकर काम से रिलेटेड कुछ है ना, तो आपको लगेगा कि वहां काम ना खत्म करके आप बाहर ले जाना पसंद करोगे उनको, कि वही काम कर लेंगे एंड वहीं पे घूम के आते हैं। यहाँ थोड़ा सा 50-50 वाला चांस है। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है कि काम तो है ही है बट बाहर भी है, वो आप प्रेफर करते हो या नहीं करते। बताइए सीमा जी। हाँ जी, जैसे वर्क है, मैं ये नहीं कह रही आप काम को छोड़ दोगे और घुमाने ले जाओगे, आप काम करोगे बट उसको थोड़ा एक क्रिएटिव साइड या मे बी बाहर जाके, दिमाग में सोच रहती है कि अगर मेरा को टाइम लगे कि हम लोग बाहर ही चले जाएं तो अच्छा है। काम करोगे नहीं उस चीज को, मिस नहीं करोगे यहाँ जो मैं कह रही हूँ, आप काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जैसे कोई भी आपको मिलने आ रहा है, कोई आपका पर्सन जान पहचान का वर्क से रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि उसको काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट शायद उस कमरे के बोर्डरूम सेटअप में या उस ऑफिस में या उस कमरे में ना करके आप शायद मे बी लॉन है बाहर तो वहां चले जाओ, आप वो प्रेफर करोगे, या आप रेस्टोरेंट में चले जाओ आप प्रेफर करोगे, रादर देन इन अ सेटअप, एक बंद कमरे से बेटर, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। ये काम किससे रिलेटेड ही है, क्योंकि काम में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, फर्स्ट थिंग इज दैट। Yes. But you want additional things also. So probably yes. You'll move out of the room and you'll make it more, you know, more maybe happier. Yes. Effort hota hoga as per your forehead. Okay, wonderful. Interpretation ke hisab se. Okay, ab hum date ke hisab se agar dekhe, to jaise aap agar, jaise apne husband ke saath bhi agar ja rahe hain kahin, so aapka man hota hai ki puri family jaye. उनकी साइड से भी हो, आपकी साइड से भी हो, वो आपकी आपकी पसंद है, मतलब आप यू रियली वांट दैट कि सब जाएं, क्योंकि एनीवेज यू आर पीपल ओरिएंटेड एंड इवन फॉर अ डेट यू विल नॉट लाइक यू एंड योर हस्बैंड गोइंग, यू वांट द होल फैमिली, हिज साइड योर साइड एवरीबॉडी गोइंग टुगेदर। यस यस, दैट इज वेरी मच ट्रू। यस, ओके, सो दैट इज अ राउंड फेस ट्रेट। ऑलराइट, सो हम दूसरे फीचर्स पे चलते हैं। लेट्स गो टू द अदर फीचर्स। सो thank you Seema ji, thank you. Let's come to the eyes now. Eyes is also something, eye color hamara ek hota hai, that of course eye color is one feature which is a very important feature in a face analysis. To kisi ko analysis karana hai, kisi ko lagta hai uski eyes blue, green, hazel, brown, koi bhi color jisko lagta hai, koi bhi karana chahe, so I'll just do a stop share and you can give me your hands up. आपको क्या लग रहा है शकुन जी कि आपके आईज का कलर क्या है? हल्का ब्राउन मान, हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन, हेजल, हेजल मानू मैं उसको। अभी आपके आईज हेजल के थोड़ा पास ले आई आईज, जस्ट मेक देम वाइड ओपन सो दैट आई कैन सी द कलर। कलर मुझे वैसे पता नहीं चल, हाँ अभी दिख रहा है।
वचन से, कर्म से। ब्लैक ही लग रहा है मुझे तो थोड़ा, जैसे जेट ब्लैक, जेट ब्लैक नहीं है, जेट ब्लैक नहीं है। चलो मैं इसका स्क्रीन शेयर करता हूं। मांगने और माफी देने में मनुष्य का उद्धार। अब अभी के लिए तो म्यूट ही कर लो शकुन जी, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड है। ब्राउन मान लेते हैं आपकी आईज को, ठीक है? तो हम ब्राउन ले लेते हैं। ओके, सो ब्राउन आईज पीपल आर वेरी गुड प्लानर्स, दे गिव देयर बेस्ट इन एवरीथिंग एंड दे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव देमसेल्व्स। उनकी हमेशा निरंतर बेटर होने की कोशिश होती है कि वो लगातार बेटर होते रहे। क्या ये एप्लीकेबल है आपके ऊपर? बिल्कुल सही, दिस इज राइट, बिल्कुल। चलो दैट्स गुड। सो दिस इज अ ब्रीफ थिंग, ऑफ कोर्स व्हेन माय कोर्स इज देयर सो वी हैव अ डिटेल्ड थिंग, बट इसमें मैंने पॉइंटर्स लिखे थे। अब हम किसी और को भी ले सकते हैं, किसी और, प्लीज अपना नाम बोल दीजिए सो दैट मैं स्टॉप शेयर नहीं कर रही, हम सीधा फिर फीचर्स पे चले जाएंगे। किसी और को कराना है अपना आईज का? मेरा देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विष्णु देव मिश्रा। आपका क्या है मिश्रा जी आईज का कलर? वैसे आपको क्या लगता है? तो ब्लैक ही, ब्लैक है। मैं तो देख नहीं पा रही हूँ इतना ज्यादा क्लियरली, थोड़ा पास में दिखाइए। हाँ, जेट ब्लैक है जी। हाँ, ब्लैक ही लग रहा है। सो लेट मी कम टू द, सॉरी ये इधर, मेरा भी ब्लैक ही है। मैं आपका भी देख लेंगे, आपका भी। मैं ब्लैक का तो बता ही रही हूँ, ब्लैक का भी नॉर्मल रहेगा। वन मिनट, या वन मिनट प्लीज। अब हम ब्लैक की बात करते हैं। हाँ, सो पीपल विद ब्लैक आईज दे एंजॉय कंपटीशन अलॉट। उनको कंपटीशन में रहना बहुत पसंद है, उनको चैलेंजेस बड़े पसंद है, एंड दे वोंट गिव अप इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। वो छोड़ते नहीं है काम करना। चैलेंजेस आते भी हैं बहुत मैम, आते, मैं वही बोल रही ना, आते भी हैं तो आप छोड़ते नहीं हो काम, नहीं, और आपको पसंद है, एंजॉय चैलेंजेस ना। ओके, ग्रेट। तो सुनीता जी आपका भी, ये तो ब्लैक का हो गया, ठीक है। आई एम हैप्पी कि आपका मैच कर रहा है। एंड सुनीता जी आपको ब्लैक लग रहा है आपको या ब्राउन लग रहा है? नहीं, मेरा तो ब्लैक है, मैं ब्राउन नहीं है। तो ये सेम चीजें आपके लिए भी जाती हैं कि आपको कंपटीशन पसंद है, मतलब कंपटीशन पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं, तो आई कांट टू गिव अप। एक्चुअली क्या होता है कि हम, जैसे होता है ना, अगर आप एंजॉय चैलेंजेस में, ये देखो चैलेंजेस हमें लगता है कि हम, अगर नॉर्मल लाइफ है तो हम नहीं चाहेंगे कि चैलेंजेस आए, हमें लगेगा कि नॉर्मल चलती रहे। बट आपके जैसे लोग, अगर हम ब्लैक आईज की बात करें, मेरे भी ब्लैक आईज हैं वैसे, ब्लैक आईज होती है तो वो ना चैलेंजेस अगर नहीं आ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि सब इतना नॉर्मल भी कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा जब है। वो ऐसा सोचते हैं तो फिर चैलेंजेस आ जाते हैं, तो दे स्टार्ट एंजॉयिंग दैम। चलो ठीक है, यू नो प्रोबेबली जैसे आप बहुत अगर स्पिरिचुअल भी हैं, बिकॉज आप ऑकल्ट वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, जैसे मेरे साथ होता है अगर, सो जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी मोर स्पिरिचुअल। जब कोई चैलेंज आता है ना, नॉर्मल सिनेरियो में तो हम कहेंगे कि सब नॉर्मल चल रहा है, तो शायद हम मंदिर में पूजा पाठ भी बहुत बेसिक थोड़ा करेंगे, बट जब एक डिफिकल्ट टाइम होता है या कभी कोई चैलेंज होता है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम ज्यादा उसमें कर सके, यू नो। तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट आफ्टर दैट, कि अच्छा हुआ देखो मैंने ये वाला मंत्र जाप कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, या बहुत अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आई तो कहीं उसमें अच्छाई भी निकल के आई कि मैंने ये कर लिया, सो यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, राइट? सो आप, और आप छोटे चैलेंज आ गया तो ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बट आप काम तो करते रहते हो अपना, राइट? अब हम नोज पे आ जाते हैं सीधा, लेट्स सी द नोज। नोज के लिए भी हम लेंथ, एंगल, विड्थ, टिप, ये सब चीजें हैं जिससे हम देखते हैं। सो किसी को अपना नोज एनालिसिस कराना है, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी इसमें। डॉक्टर राजीव आपको अपना एनालिसिस करवाना है? कोई और? हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर राजीव जी, जी अभी 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 कुछ कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, आप मेरा कर दे तब तक मैम। हाँ, अब मैं ऐसा करूंगी, जैसे मैं दो फीचर्स और ले लूंगी, एक ये वाला नोज का, एंड देन आई विल टेक वन मोर,
एंड देन प्रॉब्ली आई विल क्लोज बिकॉज मतलब ये है कि 9:19 हो गए हैं. हाँ, किसको कराना है? मेरा कर दे मैम. ठीक है, मेरा भी करिए. ठीक है, ठीक है. तो आपका नोज एनालिसिस सीमा जी से शुरू करते हैं. सीमा जी, आपका नोज सामने सीधा रखिए फेस. इनका नोज बताइए कैसा है, जैसे लॉन्ग होता है, स्मॉल होता है, वाइड होता है, आपको क्या लगा? मैम इनका भी लॉन्ग है, लॉन्ग ही है, लॉन्ग है. थोड़ा मुझे सा लॉन्ग है, मुझे भी लॉन्ग निकला भी. शकुन जी का एक बार देख लेते हैं, फिर हम एनालिसिस पे आ जाएंगे. शकुन जी, आप अपना फेस पास ले आइए, थोड़ा सा चिन डाउन करिए, थोड़ा सा ब्रॉड भी लग रहा है मुझे. पर इनका नोज विद द ना बॉल जैसे थोड़ा नीचे की तरफ है, विद अ टिप गोइंग डाउन, उसमें उस कैटेगरी में ब्रॉड में नहीं आता. ब्रॉड मेरा बिल्कुल यहाँ. हाँ, टिप में नहीं. ये शकुन जी का मैं कह रही हूँ सीमा जी, आपका तो लॉन्ग. हाँ, शकुन जी का है, आपका तो लॉन्ग है. शकुन जी का ना यहाँ टिप पे एक कैटेगरी होती है जिसमें यहाँ थोड़ा बॉल ऑफ यू नो दैट थिंग इज देयर. सो लेट्स ट्रेन थोड़ा सा मीडियम शेप का है ना मैम. हाँ जी, थोड़ा सा मीडियम शेप है ना, बहुत लॉन्ग नहीं है उनका. जैसे हम क्या करते हैं ना, पूरे फेस के हिसाब से देखते हैं. अगर हमें वैसे ब्रॉड लग रहा है उनका नोज, बट हम पूरे फेस के हिसाब से देखेंगे तो हमें उतना ब्रॉड नहीं लग रहा है. अब हम जैसे हमारे यहाँ एक फीचर इसमें मतलब जो भी आता है उसके अंदर एक आता है नोज विद अ बॉल एट द टिप. इनका थोड़ा सा सर्कुलर आ रहा है. जब मैं आपको भी दिखाऊंगी तो उससे समझ में आ जाएगा आपको. एक मिनट रुको, मैं दिखा देती हूँ. तो जैसे हमने लॉन्ग नोज का बात की, पहले हम सीमा जी का कर लेते हैं कि दैट दीज पीपल हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल दे वर्क एनवायरमेंट. अपने काम के एनवायरमेंट को वो कंट्रोल में रख सकते हैं आराम से, आराम से या मुश्किल से, मतलब रख पाते हैं. इज दैट ओके? है ऐसा सीमा जी आपके साथ? यस मैम. ओके. एंड दीज पीपल वर्क बेस्ट व्हेन दे कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ देयर वर्क. उनको मतलब लगता है अगर काम ठीक से टाइम पे हो रहा है ना तो उनको बहुत मजा आता है. दे उनका काम की क्वालिटी बढ़ जाती है. बट उनको लगता है बड़ा धीरे धीरे हो रहा है तो उनका मूड भी खराब हो जाता है और उनकी काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती. करेक्ट? ओके. ऐसे लोग जो होते हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पसंद करते हैं और दे आर गुड एट दैट. दे आर वेरी गुड एट दैट. ठीक है, तो लॉन्ग में आ गया. अब हम आ जाते हैं विद द टिप वाला जो था हमारा. जैसे हमने अभी जब शकुन जी का देखा था तो नोज टिप टर्न्स डाउन में आ रहा था. जैसे ये लोड़ियों को मेरे अंदर ना सीधे देख लेंगे की बनाना नहीं था. खा लो, मेनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीमा जी म्यूट कर दो. सीमा जी म्यूट कर दो. खा लो, मैं देख लेंगे सूर्य. इनफैक्ट इनका बॉल जैसा कैटेगरी में आ रहा था. सीमा जी म्यूट कर दीजिए. सॉरी. हाँ, इसमें नोज टिप विद अ लॉन्ग बॉल आ रहा था. सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे और उनको एक अच्छी नॉलेज होती है अर्निंग की भी और पैसा कैसे खर्च करना है उसकी भी. क्या ये करेक्ट है शकुन जी? बिल्कुल. दिस इज करेक्ट. बिल्कुल. ठीक है, तो हम स्टॉप शेयर कर देते हैं यहाँ. बिकॉज आज ना मेरे एक्चुअली आई एम हैविंग अ वेरी बैड स्टिफ शोल्डर. आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया. तो मुझे एक बार को लगा था सेशन लूं भी कि नहीं, बट आई लव डूइंग दैट. सो मैंने इसलिए भी आज वेबिनार कर लिया. सो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अगली बार एक वेबिनार देखेंगे, नहीं तो आई थिंक आई विल स्ट्रेट अवे यू नो स्टार्ट विद द क्लासेस. जिसको भी आना होगा मोस्ट वेलकम. एंड मतलब अच्छा लगेगा, इट्स अ नाइस वे ऑफ लर्निंग पीपल, नोइंग पीपल. So, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है. तो आप भी अगर आए तो बहुत अच्छा रहेगा. इट्स एक्चुअली मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ. 10 सेशंस है हमारे, जो कि एक्चुअली हमारे हमारे यू नो जैसे ज्योतिष वंदना के साथ में भी ये है कि वो एक घंटा बोलेंगे तो एक घंटा नहीं होता. वैसे भी 1.5 आवर की क्लास रहती है. एक घंटा आपको थियोरेटिकल स्टडी होगी. हम एक एक फीचर हर दिन लेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट के दो भी ले सकते हैं, हम दो भी कर सकते हैं. और बाकी जो हाफ ऑफ द आवर होता है उसमें जैसे अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं एक दूसरे का, हम वैसे स्टडी करेंगे. तो इस तरह से हमारे 10 सेशंस होंगे. एंड आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कोशिश है मेरी कि मैं स्टार्ट कर दूं, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज रेडी. और 3500 इज द एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट.
सो यू कैन पे यू नो वेन एवर एंड एज इन लाइक योर कन्फर्म्ड आप अपना स्लॉट्स बुक कर सकते हो. सो इट वुड बी लवली टू सी यू एंड हैव यू इन द सेशन. आई होप कुछ समझ में आया एंड यू एंजॉयड. ओके दैट्स नाइस. एंजॉयड मैम. वंडरफुल. दैट्स वंडरफुल. अच्छा लगा बहुत. थैंक यू सो मच. वेरी इंफॉर्मेटिव. और टाइम भी जो हमारा रहेगा सबकी कन्वीनियंस पे जो भी रहेगा बट 8:07:38 टाइप सी नॉट लेटर देन दैट. 8 से समझ लीजिए 9:30. वी हैव 2 or 3 सेशंस पर वीक. सो एवरीवन हैड अ गुड टाइम. आई एम हैप्पी एंड सबको थोड़ा थोड़ा अपना एनालिसिस मिल गया है. सो बहुत अच्छी बात है. सो ठीक है. लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. मेरा देख लीजिए एक बार. हाँ जी. थैंक यू. नोज मेरा एक बार देख लीजिए. अच्छा नोज. अच्छा एक बार दिखा दीजिए आप नोज अपना. जी आपका नोज साइड से दिखाइए. साइड से स्ट्रेट नोज है आपका. स्ट्रेट नोज. स्ट्रेट नोज के फीचर्स जो है उस पे आएंगे. सो यू हैव अ स्ट्रेट नोज. ठीक है. चलिए ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओके. थैंक यू सो मच.